शशांक आसन हम बताने जा रहे हैं आपको, जो आपके हृदय को भी इम्प्रूव करता है, ग्लैंड को भी अच्छे से टोन करता है, पैंक्रियास की मसाज के लिए भी और कंकरेंट की मसाज के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। उष्ट्रासन के बाद इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, एक कॉमन पोस्चर के रूप में काम करेगा। उष्ट्रासन से जो भी आपकी बॉडी में एक स्ट्रेन आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोस्चर हेल्पफुल होता है। इसमें क्या करना है, बहुत इजी पोस्चर, शशांक आसन रैबिट के जैसे आपको कॉपी करना है। तो सांस भरना है और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए बेंड करना है और आर्म्स को स्ट्रेट कर लेना है। बेंड करें, एक्सहेल करके सिर को नीचे रिलैक्स छोड़ेंगे, बट को ऐसे हिप पर रेस्ट करेंगे आर्म्स को, और ऐसे न्यूट्रल करके अब फाइनल पोजीशन में ब्रीथिंग को आप सांस भरते छोड़ते रहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करना है। यदि आप होल्ड कर सके एक्सहेल होल्ड करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल ब्रीथिंग करके इसका आप अभ्यास कर सकते हैं शशांक आसन का। यह बैक पेन को दूर करने के लिए, बैक के टेंशन को रिलीव करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जिसका आपको रेगुलर प्रैक्टिस करके सारे धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और फिर से